नमस्कार। योगी आदित्यनाथ इन दिनों फुल फॉर्म में हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव मोड में, और जब से 10 उपचुनावों की सुगबुगाहट शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने एक नया प्रयोग किया कि 5 बड़े चेहरे प्रदेश के और 5ों के बीच में 2-2 विधानसभा सीटें उपचुनाव वाली, वहां की जिम्मेदारी उस व्यक्ति, तब से तो योगी जी और ज्यादा एक्टिव मोड में आ गए। 2 सीटों की जिम्मेदारी उन्होंने खुद अपने ऊपर ली है, एक मिल्कीपुर जो अयोध्या के समीप की विधानसभा सीट है, और दूसरी कटहरी जो अंबेडकर नगर में सीट है, जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक लालजी वर्मा लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और उस कारण से वहां चुनाव। कल और परसों 2 दिन वो अयोध्या में रहे और कटहरी का दौरा किया उन्होंने। एक एक बिंदु पर मुख्यमंत्री की निगाह है खुद इन दोनों इलाकों में, अब उपचुनाव की दृष्टि से बूथ अध्यक्ष से लेकर और पन्ना प्रमुख तक सबकी जानकारी, सब और सबका प्रबंधन मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं। सरकारी अधिकारियों के पेच कस दिए गए इन दोनों इलाकों में, कहीं कोई गड़बड़ी, कहीं कोई कोताही नहीं हो, और एक कोशिश ये भी हो रही है कि उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का समायोजन कर दिया जाए। इसमें नामित पार्षद से लेके आयोगों के और बोर्डों के अध्यक्षों तक का एक वो है क्रम है शामिल। कई हजार कार्यकर्ता इसमें समायोजित हो जाएंगे। कोशिश यही है कि मंडल तक के कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ समायोजन के जरिए हासिल हो जाए, उसको लगे कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, उसकी सुनवाई बढ़ी। और योगी आदित्यनाथ के मन में कहीं ना कहीं फैजाबाद लोकसभा सीट का जो परिणाम आया वो भी चुभ रहा है, तुम फांस है। कल जब वो अयोध्या के संतों के साथ भोजन पर बैठे तो उन्होंने उस प्रसंग को वहां रखा मुख्यमंत्री, और उन्होंने कहा कि अब उस परिणाम के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि यत्र तत्र सर्वत्र लोग तंज कर रहे हैं, और जो लोग मंदिर आंदोलन के विरोध में रहे, जो लोग अयोध्या को अस्पृश्यता की दृष्टि से देखते रहे, वो लोग तंज कर रहे हैं, ऐसा परिणाम आया। बताते हैं कि कुछ संतों ने योगी जी से कहा कि चुनाव में हमारी उपेक्षा की गई, हमारे से कोई राय विमर्श नहीं हुआ। तो मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि महाराज, अब इन सब छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठकर सोचिए, ऊपर उठकर काम करिए, बड़े लक्ष्य की ओर देखिए। और इसीलिए कल अयोध्या में उन्होंने कहा भी योगी जी ने कि मंदिर निर्माण लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है, पड़ाव है, यात्रा अभी लंबी है और यात्रा जारी रहनी चाहिए निरंतरता में। अब इसके बड़े दूरगामी सांकेतिक अर्थ है कि मंदिर निर्माण लक्ष्य नहीं है, मंजिल नहीं है, इसके आगे अभी यात्रा बहुत शेष है। और ये बात उन्होंने अयोध्या के संतों से भी कही कि अभी मंजिल यात्रा शेष है, अभी बृहत हिंदू समाज को एकजुट करने का लक्ष्य साधना है, और समाज से जाति व्यवस्था, जाति का विभाजन समाप्त हो, इसकी ओर चल प्रयास करना है, इस लक्ष्य की ओर प्रयास करना है। उन्होंने संतों को समझाने की कोशिश की कि
कभी जातिगत जनगणना तो कभी आरक्षण तो कभी किसी तो कभी संविधान, इन सब मसलों के आधार पर हिंदू समाज में जो जातिगत विभाजन है उसको और गहरा करने की कोशिश विपक्षी दल लगातार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये संतों का भी दायित्व है कि वो इस ढंग के दुष्प्रचार का सामाजिक स्तर पर प्रतिकार करें और उसका खंडन करें, क्योंकि संतों के पास एक अपनी फैन फॉलोइंग होती है, उनका एक अपना आधार होता है समाज में। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि आरक्षण और संविधान बदल देंगे, भाजपा आई तो संविधान खत्म कर देंगे, इस इन दो नैरेटिव्स ने चुनाव में उसका सबसे ज्यादा नुकसान किया है। इसलिए अब योगी आदित्यनाथ ने संत शक्ति का भी इस्तेमाल इस प्रपंच को भेदने में करने की शुरुआत की है अयोध्या से। इसीलिए उन्होंने संतों से कहा कि अब आप भी अपना दायित्व निभाइए और समाज को सही बात बताइए। अब देखना यह है कि पहली परीक्षा जो है वो बाई इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव के बाद और इन 10 सीटों के उपचुनाव के बीच में भाजपा कितनी बदली, उसके नेता कितने बदले, जनता को कितना भरोसा उन पर और बढ़ पाया कि नहीं बढ़ पाया, राज्य की सत्ता और शासन से की कार्यशैली में कितना बदलाव आया, ये सब इन सब चीजों का एक ही पैमाना होगा, एक ही कसौटी होगी बाई इलेक्शन का परिणाम। बाई इलेक्शन में क्या परिणाम आता है वहां से एक तस्वीर दिखाई देगी। इसीलिए कल और बीते कल और परसों दो दिन मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर और कठेरी यानी अंबेडकर नगर और फैजाबाद अयोध्या इनको साधने में दिए। बड़ी बात है मुख्यमंत्री के स्तर पर इस ग्राउंड जीरो पर जाकर इस ढंग का इलेक्शन मैनेजमेंट जिसमें पन्ना प्रमुख तक की बात हो, जिसमें बूथ मैनेजमेंट तक की बात हो, विशेष बात हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं बाई इलेक्शन भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से बहुत कुछ तय हो जाएगा। सीटों की संख्या 10 ही है और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के बहुमत के आंकड़े में भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा विधानसभा के भीतर, लेकिन जय और पराजय का जो परिणाम होगा उसका संदेश भाजपा की सेहत पर देश भर में असर डालेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश के ये बाई इलेक्शन बहुत जरूरी हैं, भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष में केवल समाजवादी पार्टी है इस बाई इलेक्शन में जिसका स्टेक है बड़ा, जो कसौटी पर कसी जाएगी कि वो लोकसभा चुनाव का टेम्पो बरकरार रख पाई कि नहीं। बसपा लड़ रही है कुछ कर लेगी तो उसकी ठीक चर्चा हो जाएगी, नहीं करेगी तो विधान लोकसभा में शून्य रही, इसमें भी शून्य रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जब 80 सीटों में शून्य रही तो 10 बाई इलेक्शन में क्या दिक्कत है। कांग्रेस का भी कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, अगर अखिलेश जी उनको 2-3 सीट देते हैं तो वहां उनकी समीक्षा हो जाएगी, लेकिन भाजपा और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है ये उपचुनाव। धन्यवाद।